हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं और आज की वीडियो में हम किस चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आज हम किस चीज पे बात करने जा रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ। वो है BSc जियोलॉजी। BSc जियोलॉजी में क्या क्या होता है वो हम जानेंगे, और BSc जियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो हम जानेंगे, और पहले नंबर पर बात आ जाती है कि BSc है क्या, दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि BSc की अहमियत क्या है, और तीसरे नंबर पे बात आती है वो है कि BSc जियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और चौथे नंबर पे जो बात आती है वो है कि BSc जियोलॉजी करने के बाद हम किन किन शोबाजात में जा सकते हैं। तो पहले नंबर वाली चीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर जो चीज है हम उसको डिस्कस करते हैं, वो है BSc क्या है। BSc क्या है, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि BSc बैचुलर डिग्री है। BSc बैचुलर डिग्री है, और वो भी दो साल आप स्टडी करते हैं और उसके बाद आपको बैचुलर डिग्री मिल जाती है। जबकि जितने भी BS हैं उन सब में आपको 4 साल स्टडी करनी पड़ती है। तो ये हाफ टाइम ड्यूरेशन है, और हाफ टाइम ड्यूरेशन में आपको बैचुलर की डिग्री मिल जाती है, हाफ टेन्योर में आपको बैचुलर की डिग्री मिल जाती है। और इसके बाद, और दूसरा हमारे पास क्या था, BSc जियोलॉजी की अहमियत क्या है। तो दोस्तों, BSc जियोलॉजी की अहमियत यही है, आप अगर जियोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि जियोलॉजी BSc जियोलॉजी करके भी डॉक्टर बना जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंसेप्ट ये है कि FSc करें और उसके बाद आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें और आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप जियोलॉजी में मास्टर बनना चाहते हैं, या कह लें कि जियोलॉजी में अगर आप जियोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप BSc जियोलॉजी करके, फिर MSc जियोलॉजी करके, और उसके बाद PhD जियोलॉजी करके आप स्कॉलर ऑफ जियोलॉजी बन जाते हैं, जो कि बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजी मेडिकल की एक फील्ड है, और इसमें सब्जेक्ट पहले नंबर पे जियोलॉजी खुद, ठीक है, क्योंकि BSc जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री दो होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक, और ये 3 बुक्स होगी। और उसके बाद चौथी बुक होती है बॉटनी की, और पांचवी बुक होती है इस्लामियात की। ये पांच बुक होती हैं BSc जियोलॉजी में, ठीक है। तो दोस्तों, BSc जियोलॉजी ये हो गई, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि BSc जियोलॉजी में कौन कौन से शोबा जाते हैं। BSc जियोलॉजी में पहले नंबर पे पहला हिंट जो कि मैं हिंट देता हूँ, वो है कि मेडिकल के किसी भी शोबा में आप जा सकते हैं, मेडिकल के कोई भी शोबा आप इख्तियार कर सकते हैं, उसमें आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। और उसके बाद आप बॉट बॉय जो होते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद हो जाए ओटनी एक शोबा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद रेस्क्यू करने वाले जितने भी इदारे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा है, इन्वेंशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो है जियोलॉजी इसमें इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, आप बहुत ज्यादा इन्वेंशन कर सकते हैं। इन्वेंशन का दौर है भाई, इन्वेंशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं वो शोभा जिनमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।